ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। ये हमारी आलू कत्ती की रेसिपी देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल पर हम आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू कतली, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस आलू की कतली की रेसिपी के लिए हमने 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, ताकि इसके जो हम जो स्लाइसेस पीस करेंगे वो थोड़ा अच्छे से हो और साइज़ में हो तो बढ़िया से ये बनेगा। तो इन सारे आलू को हमने इस प्रकार से छील के हमने सारे आलू को छील लिया है और कुछ इस प्रकार की शेप में हम काटेंगे, बिल्कुल कतली टाइप में जो कटती है, बिल्कुल स्लाइसेस, थोड़ी सी मोटी काटने हैं हमें। एक आलू के हमने लगभग 3 से 4 पीसेस किए इस प्रकार के शेप में, कि ज़्यादा हम पतला भी आलू नहीं करेंगे और बिल्कुल मोटा भी नहीं। तो ये इस प्रकार की शेप में अब सारे आलू को हमने काट लिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये हमारे सारे आलू कटी है। तो अब हम इसे सारे आलू को पानी में धो के निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ को बारीक बिल्कुल काटा है। आप इन सारे को बिल्कुल बारीक काटेंगे और एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे और ये खड़ा जीरा 1 चम्मच के आसपास, और सारे आलू को हम डालेंगे एक साथ और इसी प्रकार से हम इसे मिलाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें से स्वाद होता है फ्रेंड्स। इस रेसिपी का बहुत ही एक अलग स्वाद होता है। तो देखिए हमने इस प्रकार से इसे चलाने के बाद इसे हम कवर करके इसे पकाएंगे। तो इसी प्रकार से आप कवर करके 1 से 2 बार इसे लगभग 60 से 70% हम पहले पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये आलू भी थोड़ा थोड़ा करके पक रहा है। तो फ्लेम को आप मीडियम टू हाई पे करके पकाएंगे इसे। तो ये देखिए आपको देखने से लग रहा होगा हमारा आलू जो है वो 50 से 60% ये लगभग सिक चुका है। आपको देखने से इस पर एक कोटिंग आ गई है आलू पे। तो यहाँ पे हम यहाँ हींग डालेंगे। हींग हमने 1 चुटकी के आसपास डाला है, ज़्यादा हींग नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी क्वांटिटी में बहुत ही कम है। तो हींग डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट तक इसे। तो उसके बाद हींग डालने के बाद हम इसमें जो प्याज, मिर्च और लहसुन जो हमने बारीक काटा था उसे यहाँ पे डालेंगे। आप चाहे तो इसे पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले डालने से क्या है ना कि ये प्याज मिर्ची हमारा ये जल जाता है, अच्छे से उतना बढ़िया से ये नहीं पक पाता है। इसीलिए हमने आलू को अच्छे से पका के उसके बाद डाला है इसमें। तो उसे भी हम कवर करके फिर से पकाएंगे। तो ये देखिए हमने ढक्कन हटा के फिर से इसे चलाया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा प्याज भी कलर चेंज हो रहा है प्याज में। तो इस प्रकार से आलू को बारी बारी से पलट के अच्छे से दोनों तरफ से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब हम मसाले ऐड करेंगे। इसे मसाले में हमने आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, और ये हमने जलजीरा का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो इसकी जगह, और ये थोड़ी सी गर्म मसाला। आप जलजीरा की जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फ़िलहाल जलजीरा ऐड किया है थोड़ी सी खटास के लिए। तो जलजीरा आसानी से मिल भी जाता है सब घरों में। तो ये देखिए हमारा मसाला भी कितना अच्छा से भुन गया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। और तो पानी का छींटा मारने का मेन मतलब है कि ये मसाले को अच्छे से आलू सेपरेट हो सके इसमें। तो मसाला जो हमारा कितना बढ़िया से आलू में अच्छे से सेपरेट हो गया है, और इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे इसमें। आप नमक पहले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने बाद में ऐड किया है ताकि आलू हमारा बिल्कुल ज़्यादा सौगी ना हो, बिल्कुल पक के ज़्यादा गले ना, इसीलिए हमने बाद में नमक ऐड किया है।
ये देखिए फाइनली अब कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है हमारा आलू कतली की रेसिपी। आपको देखने से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी इसमें क्रिस्पीनेस आई है। आप उबले हुए आलू को भी बना सकते हैं लेकिन इतना क्रंची वो नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने काट के ही डाला है। तो ये देखिए हमने सर्विंग प्लेट पे इसे निकाला है, कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ हमारा आलू कतली की रेसिपी। तो फ्रेंड्स आप भी इस प्रकार की रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।